हेलो फ्रेंड्स, आज से हिंदी का नया टॉपिक क्रिया स्टार्ट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन फर्स्ट है, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक तो सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यही है, कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की, सकर्मक और अकर्मक। क्वेश्चन सेकेंड है, काल के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। तो काल के आधार पर क्रिया के तीन भेद होते हैं, एक तो पूर्वकालिक, ठीक है, दूसरा भूतकालिक और तीसरा वर्तमानकालिक। ठीक है, तो इस तरीके से तीन काल होते हैं क्रिया के आधार पर। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड है, निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक क्रिया क्या होता है, जब भी कोई क्रिया होती है तो वो क्रिया के आगे क्या का क्वेश्चन का आंसर मिले तो वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बच्चे क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, इसका मतलब सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन फोर्थ है, निम्न में से किस क्रिया में दो कर्म हैं, जहाँ दो कर्म हो, तो दो कर्म आपको देख सकते हो। कर्म पूछा है, तो सुरेश ने मुकेश को खिलौना दिया, सुरेश ने भी खिलौना उठाया और फिर मुकेश को दिया, दो कर्म हो रहे हैं, इसलिए सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्रिया के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप ध्यान से पढ़ना। निम्न में पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। अब ये काल के आधार पर जो क्रिया है, निम्न में से पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण पूछा है, तो जो काम पहले हुआ हो वो कौन सा होता है, पूर्वकालिक। तो पूर्वकालिक में मैं कपड़े धोकर खेलने गया, यानी कि एक काम किया और दूसरा करा, तो वो सही होता है। क्वेश्चन सिक्स है, हमने बचपन में बहुत खेल खेले थे। ठीक है, तो बहुत खेल खेले थे, अब तो कोई काम नहीं हो रहा है ना, यानी कि पूरा ही काम भूतकाल में हुआ है, इसलिए ये कौन सा हो गया, बी इसका राइट आंसर हो गया, भूतकाल मतलब पास्ट। ठीक है, तो पूरा ही के पूरा काम पास्ट में हुआ, इसलिए पूर्ण भूतकाल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन सेवन है, अगर तुम थोड़ी मेहनत और करते तो अच्छे अंक आ जाते, वाक्य में क्रिया का काल है। देखो, काल तो भूतकाल है, क्योंकि पास्ट में मेहनत होती तो पास होता, और अगर अगर मगर ऐसा कुछ भी लगे तो कौन सा होता है, हेतु, हेतु मत भूतकाल। ठीक है, क्वेश्चन एट है, वह खाना खा रहा है, वाक्य में क्रिया का काल है। अब देखो, खाना खा रहा है लेकिन खाना भी पूरा खत्म नहीं किया है, इसलिए वर्तमान काल का तो है ही, लेकिन पूरा भी नहीं हुआ है, इसलिए अपूर्ण वर्तमान काल इसका राइट आंसर होगा, है ना। अगर होता कि वह उसने खाना खा लिया है तो अभी खाया है, तो पूर्ण वर्तमान हो जाता। क्वेश्चन नाइन है, तू पढ़, है ना, पढ़ मतलब अभी की बात चल रही है, यानी कि वर्तमान काल का है, और मैं इसमें आज्ञा दे रही हूँ, इसलिए कौन सा हो गया, आज्ञार्थ वर्तमान काल। ठीक है, सारे काल के आधार पर क्रियाएं हैं ये, आज्ञार्थ वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहन ने पत्र पढ़ लिया होगा। अब देखो, कंफर्मेशन नहीं है कि पढ़ा या नहीं पढ़ा, और भूतकाल का भी ये काम हो चुका होगा, तो अब ये जब आपको कंफर्मेशन नहीं होता तो वो चीज़ क्या कहलाती है, संदिग्ध कहलाती है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, तो ये आज स्टार्टिंग है, 10-12 दिन में आप क्रिया अच्छे से कर पाओगे, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। इस तरीके से आपको क्रिया के क्वेश्चंस पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना। थैंक यू।